राष्ट्रीय खबर की अंकारा में कल हुए आतंकी हमले के कुछ ही घंटों बाद तुर्की ने अपने दो पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक में घुसकर आतंकियों पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए और 30 आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है। तुर्की में हुए आतंकी हमले में 4 लोग मारे गए हैं जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हमला करने आए दोनों आतंकी भी मारे गए जिसमें से एक महिला आतंकी है। ये आतंकी किस संगठन के हैं इसकी पहचान अभी की जा रही है। अंकारा में हुए आतंकी हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। तुर्की पर आतंकी हमला, एर्दोगान ने ले लिया बदला। तुर्की के डीएआई हेडक्वार्टर में घुसे आतंकी, बदले में 30 आतंकी ठिकाने तबाह। अंकारा में 26/11 जैसा अटैक। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3 और टारगेट नंबर 4। तुर्की ने ऐसे 4 नहीं बल्कि 30 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है और ये सभी एयर स्ट्राइक तुर्की में हुए आतंकी हमले के कुछ ही घंटों के भीतर हुए हैं। तुर्की एयरफोर्स का दावा है कि आतंकियों के जो ठिकाने तबाह किए गए वो सभी ठिकाने सीरिया और इराक में मौजूद थे। यानी कि आतंकी हमले का बदला लेने के लिए तुर्की ने अपने पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक में घुसकर आतंकियों को मारा है। इन हमलों में तुर्की ने 5 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। कल देर शाम तुर्की की राजधानी अंकारा में टीएआई यानी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया था। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया था, अंकारा में आए ये दोनों आतंकी कसाब और उसके साथियों की तरह हाथ में हथियार और पीठ पर बैग बांध कर आए थे। इन आतंकियों ने टीएआई हेडक्वार्टर में घुसकर 8 लोगों को बंधक भी बना लिया था। ठीक उसी तरह जैसे मुंबई के ताज होटल में आतंकियों ने लोगों को बंधक बना लिया था। आतंकियों ने जब कल तुर्की की राजधानी में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी तब एर्दोगान बदले की आग में जलने लगे। तो जरा सोचिए कि हमास के हमले में अपने 1200 नागरिकों को खोने वाले नेतन्याहू पर आखिर क्या बीती होगी। 1 साल पहले नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास को जड़ से मिटा देने की कसम खाते हुए गाजा पर एक के बाद एक हमले शुरू किए थे और तब एर्दोगान ने ही सबसे पहले इजराइल की जवाबी कार्रवाई को गलत करार दिया था। अब अंकारा में आतंकी हमले के बाद वही एर्दोगान सीरिया और इराक में आतंकी संगठनों पर बम बरसाते नजर आ रहे हैं। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अभी रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में भी पीएम ने यही कहा कि दुनिया में आतंक को लेकर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए क्योंकि आतंकियों को सिर्फ आतंक फैलाने से मतलब है, वो ना मुल्क देखते हैं ना मजहब। दशकों से भारत का संदेश शायद अब एक के बाद एक आतंक के जख्म झेलने वाले देशों को समझ में आने लगा है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने